तो भाई लोगों, आज कुछ डिफरेंट डिफरेंट कर रहे हैं। हो क्या रहा है कि आज मैं जा रहा हूँ सोलो, मैं अकेले और आप सब लोग घूमने चलते हैं। छुट्टी है ही और लोग थोड़े बिजी थे, तो मैंने कहा सही है, आज अकेला मैं ही जाऊँगा। मेरे को अकेले घूमने में भी बहुत मज़ा आता है, तो आज आप मेरे साथ बने रहिए, देखते हैं कहाँ कहाँ जाते हैं। टोन रोड स्टार्ट देहरादून 40 ऋषिकेश 22 बद्रीनाथ 308। देहरादून का ये रास्ता मुझे बहुत प्यारा लगता था। रायवाला आने से पहले ना पेड़ दोनों तरफ से, अगर आप देहरादून कभी जाते होंगे तो आपको जरूर याद होगा कि रायवाला आने से पहले दोनों तरफ के पेड़ आपस में मिल जाते थे, मतलब पूरा ये वाला एक पोर्शन और ये वाला पोर्शन दोनों मिलके एक छतरी सी बना लेते थे। ओहो क्या बढ़िया लगता था वो। इस साइड में देखिए सत्यनारायण भगवान जी का मंदिर है, जय सत्यनारायण भगवान जी की, देहरादून के लिए कटता है। सॉन्ग नदी, ओहो विच सॉन्ग, कौन सा सॉन्ग गाती है ये नदी। सीधे जाएंगे तो ऋषिकेश और मुड़ गए तो देहरादून। मैं आपको सही बताऊं, ये रोड्स जो आप देख रहे हैं ये इतनी चौड़ी चौड़ी हो गई है, बढ़िया तो लगती है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे वो ही रोड्स जो पतली होती थी वो अच्छी लगती थी। हालांकि इस पर चलने सहूलियत बना है, लेकिन उन पे सहूलियत हमारे दिमाग को मिलती थी, हमको बहुत शांति मिलती थी कि आहा ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जो आसपास बन गई हैं ये नहीं हुआ करती थी। तब तो ऐसा लगता था बस यहाँ से हम जंगल में से निकल रहे हैं, और अब देखिए कितना ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुका है। सही है, डेवलपमेंट भी अच्छी चीज़ है, होना ज़रूरी है, चीज़ें बदलती हैं, डेवलपमेंट होता है, पर हमें उसको स्वीकार करना भी चाहिए। अब जहाँ देहरादून हम पहुँचते थे 2 घंटे में, मुझे याद है 2 घंटे तक नेट लगते थे, आज हम इन फ्लाईओवर्स और इन चौड़ी रोडों की मदद से 1 घंटा या 45-50 मिनट में 60 मिनट में पहुँच ही जाते हैं। गाड़ियाँ पीछे से आ रही हैं, मैं कोई बहुत ज़्यादा जल्दी में नहीं हूँ। यहाँ पे एक साईं बाबा का मंदिर आने वाला है, मैं आपको अभी दिखाऊंगा। ये रहा, ये है वो मंदिर, जय साईं बाबा। इस मंदिर पे मैं पिछले कई सालों से आ रहा हूँ, करीब 20-21 साल हो गए होंगे। मशरूम बहुत अच्छा मिलता है यहाँ, अगर आपको कभी मशरूम लेना हो ना तो यहाँ फ्लैक्स फ्रूट से आप मशरूम ले सकते हैं। आज जो है रक्षाबंधन की छुट्टी है, इस चक्कर में इनका स्टाफ है नहीं, उस चक्कर में आज मशरूम नहीं मिल पाए। चलिए एनीवे, लेकिन आप अगर कभी इधर इस रूट पे आए ना तो यहाँ से मशरूम जरूर लेके जाए, फ्लैक्स फ्रूट से बहुत ही अच्छे मशरूम, बहुत बढ़िया क्वालिटी के मशरूम देते हैं ये लोग। खैरा दा ढाबा, आप में से किसी को पता हो ये खैरा क्या होता है, मतलब व्हाट डज इट मींस। ये देखिए इस गाड़ी के पीछे लिखा हुआ है बेबी ऑन बोर्ड, ये जो गाड़ी जा रही है, यानी छोटा बच्चा अगर बेबी ऑन बोर्ड होता है तो लोग लगा देते हैं। ये बेसिकली फॉरेनर्स करते थे इस तरीके के काम, अभी इंडियंस भी हमारे करने लगे हैं, बढ़िया है, अच्छी चीज़ है। डोईवाला की तरफ से होते हुए मैं एयरपोर्ट वाली रोड पे एंटर करूँ। अभी हम एयरपोर्ट की तरफ अप्रोच कर रहे हैं और मुझे लगता है थोड़ा तेल डलवाना पड़ेगा गाड़ी में, अभी डलवा लेते हैं और उसके बाद आगे निकलते हैं। तो पेट्रोल पंप मैंने पता किया है आगे है। अभी हुआ क्या यार, जहाँ मैं खड़ा हुआ था वहाँ पे एक छोटा सा बच्चा आया,
पेन बेच रहा था इतनी तगड़ी धूप में, मैंने देखा लोग उसे मना कर देते, अरे 10 रुपए का पेन बेच रहा है यार, उससे एक पेन खरीदने में कुछ जा रहा है क्या तुम्हारा? मैं कह रहा हूँ अगर 5 रुपए का भी है तो 10 रुपए दे दो उसे, लेकिन हाँ फ्री में मत लो, क्योंकि फ्री में अगर आप लोगे तो वो हो सकता है आज काम कर रहा हो पेन बेच के, कल वो पेन ना बेचे फिर उसके बाद भीख ही मांगने लगे। यार एकदम से कहीं भी मुड़ जाते। इंडियन ऑयल का एक पेट्रोल पंप दिख गया है, और चलिए पहले पेट्रोल डलवा लेते हैं उसके बाद आगे बढ़ते हैं। भैया 1000 का डालना जरा। जी पेट्रोल डल गया है, अभी अपा लोग चलते हैं नरेंद्र नगर के रास्ते पे, वहीं पे जो अपना पुराना जगह है, बढ़िया जगह, बहुत शांति मिलती है मुझे वहां। और ये पहाड़ मुझे हमेशा से अच्छे लगे, ग्राम बड़कोट इधर लेफ्ट साइड में अगर आप जाएंगे तो बड़कोट पड़ता है, केदारनाथ 247, हेमकुंड साहिब 289, बद्रीनाथ 308। अरे निकल जा भाई, तो निकल चल जा जा, ये बस वाला बहुत पीछे से पे 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 कर रहा है, ये देख हिसाब दे। खुला हुआ इसका मतलब वो रास्ता भी खुल गया है जो लैंडस्लाइड हो रखा था। तो फ्रेंड्स हम आ गए हैं जंगलों के अंदर, ये नरेंद्र नगर के रास्ते पे खड़ा हुआ है, जंगल में मस्त कुर्सी डाल के बैठेंगे, मजा आएगा। ये बच्चे स्कूल से आ रहे हैं, आओ तो इधर तो आओ। एक एक करके नाम बताओ। याकत, मोहम्मद रफी, खुर्शेदा, जुवेदा, अस्मा। तो ये बच्चे सारे के सारे स्कूल पढ़ के आ रहे हैं। तो यहाँ कौन सा स्कूल है यार, यहाँ तो जंगल में इधर कोई स्कूल ही नहीं है। घुसरेला स्कूल है, घुसरेला बीट सरकारी स्कूल है। अच्छा वेरी गुड, कौन सा गांव है आप लोगों का? ये सिम्बरसॉट। कौन सा? सिम्बरसॉट। सिम्बरसॉट, मजे मारते हुए जाते हो है? कितनी दूर है घर? थोड़ी दूर है, मंदिर से आगे है। चलो जाओ, अच्छा अच्छा पढ़ो खूब, है पढ़ने से ही सब कुछ होता है बेटा। चलो बाय। आगे स्कूल होगा कोई, वहां से आ रहे। ये लाइफ होती है जो सबसे बढ़िया होती है, कोई चिंता नहीं होती। ये देखो कितने मजे मारते हुए जा रहे हैं ये लोग, आराम से खेलते हुए कूदते हुए और मजे मारते हुए, इन्हें याद रहेगा जिंदगी भर ये इनका खिलंदरीपना। चाय पिए, चाय बनाते हैं यार, इस जंगल में चाय बनाने का मजा आ रहा है। आपको कोई एक वीकेंड हो ना उसमें इस तरीके से आप आओ और फिर मजा देखो, इसमें जो सुकून है वो शायद अगर जो लोग मुझे करेक्ट कर पा रहे हो
इससे बड़ा सुकून कोई नहीं है। अकेले भी बैठने में मजा कुछ और है। आपको लग रहा है ये रोड चल रही है, मैं यहाँ बैठा हूँ, ये रोड बहुत ही ज़्यादा सुनसान टाइप की रोड है, कोई एक आधा निकल गया तो निकल गया। चाय खत्म हो चुकी है, ध्यान से सुनना, मैं बोल नहीं रहा हूँ इस समय, तो आपको जंगल की आवाज़, झरने की आवाज़ सब सुनाई देगी। 1 2 3 नीचे देखिए पानी का झरना, छोटा सा झरना बह रहा है। जैसे जंगल में अगर आप आ रहे हैं ना, तो एक अपनी चेकलिस्ट में इसको भी शामिल कर लीजिए, ये ओडोमॉस, लिक्विड ओडोमॉस है ये, और हार्डली इट कॉस्ट अराउंड 25 रुपीज़, और 25 रुपये में आपको ये इतना बढ़िया सुख देने वाला है। वैसे तो मच्छर यहाँ होते होते नहीं है, कम होते हैं, लेकिन फिर भी अगर मच्छर है या मक्खी है तो आपको ये उससे बचा के रखेगा। ये जो है नॉन स्टिकी है, आपको चिपचिपाहट फील नहीं होगी इससे, और मच्छरों से भी आप बचे रहेंगे। उसके अलावा ये तो मैंने एक स्टिक टाइप की आपके पास होनी चाहिए, वैसे तो कुछ नहीं होता जंगल में, लेकिन जंगली जानवर भी हमसे उतना ही डरते हैं जितना हम उनसे डरते हैं। ईजीली एक्सेसिबल है ऑल्सो, आराम से आपको मिल जाए। ये आ गया हॉर्स।